आम आत्मा मान घर पंच तत्व पार से परम धाम घर अटे आमर ओरिजिनल पिता हूँ परमात्मा से आमर असली स्वरूप हूँ आम आत्मार स्वरूप किंतु आम आत्मा मैने जितना परम धाम धरापृष्ठ को आसीगले निजे निजर स्मृति को भूलीगले सबुठ बड़ अज्ञान आसीगला निज को शरीर बोली भाव निजर पिता को भूली जावा निजर मीठार घर स्मृति को भूली जावा जितने बाबा आसते आम पा को पुणी थर स्मृति दौरान ये पुराणा सृष्टि बुद्धि सन्यास कर आज पूरा मूल्य बेहद सन्यास प्रति अटे आज तारीख हूँ अक्टोबर 5 तारीख मूल्य बाबा कहे मीठे बच्चे बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का सन्यास कराने यह तो बेहद का सन्यास है। तो बाबा आसते आम पा को दुख धाम रो दुनिया ठारो बुद्धि रो सन्यास कराया आमर सन्यास हूचे बेहद रो सन्यास तले आम सब सन्यासी हो गले दुनिया रे सन्यासी मैंने कौन कर घर द्वार को छाड़ी जाऊंट किंतु आम सन्यासी मैंने कौन कर घर द्वार भितर रोचे ना ना प्रश्न है उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है दुनिया रा सन्यास आमर बेहद सन्यास ये दीटा भितर मुख्य अंतर कौन अटे से मैने कौन कर आम कौन कर सुप्रभाव ने तो बाबा कहे वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो दुनिया रा सन्यासी माने घर द्वार को छाड़ के जंगल को जाऊंत किंतु आमे जाऊना आमे से घर भितर रोचे किंतु सारा दुनिया को कंटार जंगल बोली भावुचे तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो आमे बुद्धि द्वारा पुराना दुनिया को भूलुचं ताले पक्का सन्यास होते आम कौन कह बाबा को केतल केमती बाबा मुरली रे कहते ना दुनिया सन्यासी भी जंगल को जाऊंट पुणी थे सहर आड़क आसी जामती आम बेहद सन्यासी माने आमर स्थिति को प्रकार अच्छे सन्यासी रो निशाने विशेषता कौन हवा दरकार कौन हवा दरकार बुद्धि द्वारा तो भूलवा किंतु क्या भूलवा बाबा को जो लगाव रहा को हबनी दुनिया रो कौन सी वस्तु व्यक्ति को आम आधार बनैबानी जदि बुद्धि रे एबे भी जो वृत्ति को त्याग करचंदे जो कमजोरी को त्याग करचंदे पुणी थरे जीवन रे आसी जाउछ तले कहिबा आम पक्का सन्यासी कहिबा
बाबा एटा कहना संबंध को छाड़ दियो संबंध भितर रुह किंतु त्याग कौतिर दरकार मुहटार त्याग दरकार वस्तु वैभव को बाबा को चन छाड़न ता प्रति लोभ जो अच्छे ताकु त्याग कर साधन को उपयोग कर किंतु साधन रो बसीभूत हुअन साधनार रास्ता रे चलिके यदि साधन रो बसीभूत हो जीवा तले साधनार स्थिति हलचल रे आसी पारे कारण साधन हूँ विनाशी अटे केतल केमती आम तपस्या पे यूज करछन्ते ना ना बाबार गीत भी यूज करछन्ते कमेंट्री यूज करछन्ते सब बेले रहिब बाबा कहले कार बसीब थुअन ना का आधार बनेबा ना का जीवन रो सहारा बनेबा ना कौन से साधन रो बसीब थबा ना बाबा सामनारे जो कमजोरी को त्याग करछन्ते संकल्प रे मध्य न आस दुनिया भितर रहिछन्ते किंतु दुनिया तो न्यारा बुद्धि बुद्धि रे दुख दाम नाय सामनारे को दुनिया देखा जीवा दरकार बाबा जो दुनिया को तैयारी करिया पे आछन सुख धाम आसीबा दरकार तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो बुद्धि रे जितना समझ आसीगला कोटा खराब अटे कोटा भल अटे तो बुद्धि निर्णय नौज मत कोटा ग्रहण करिवार अच्छे मत दुखधाम को भूलिवार अच्छे आ सुखधाम को मन पकेबार अच्छे कारण मत सुखधाम को जीवार अच्छे। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठकर रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाता है। क्यों समझाता है? बाबा मो पिला मन को प्रत्येक दिन बुझौछन सप्ताह को थरे बुझले हेनथांता दुनिया रा सत्संग कौन होछ मास को थरे सप्ताह को थरे किंतु बाबा रो मुरली प्रत्येक दिन चलछ बाबा प्रत्येक दिन हम मन को बुझौछन कौन पे बुझौछन ते बाबा के आधा कल्प के बेसमझ हो आमे पिला माने अधा कल्पर बेसमझ थिले अज्ञानी थिले किछि भी नॉलेज नै तो बाबा के रोज रोज समझाना पड़ता है से बेसमझ पिला पै टीचर को मध्य मेहनत करिया को पड़छ आमर टीचर के शिव बाबा अटन गोटे दिन भी बाबार मुरली केबे बंद होछ प्रत्येक दिन आसिके बाबा बुझौछन तो बाबा के पहले पहले तो मनुष्य को शांति चाहिए आज भी बाबा बुझौछन्ते ना को टॉपिक ऊपर बुझौछन्ते बाबा बेहद रो संन्यास वृत्ति कोटाट आज प्रत्येक मनुष्य मानको जीवन रे शांति दरकार आत्माएं सब असुल में रहने वाली भी शांति धाम की है तले प्रत्येक आत्मा मानकर घर कोटा शांति धाम अटे तले शांति धाम जदि मोर घर अटे शांति मागिबा के नै तो बाबा ने कहा बाबा तो हे ही सदैव शांति का सागर आज मनीष शांति कौन पे मागुचे ना शांति धाम घर र स्मृति अच्छे ना निजर पिता र स्मृति अच्छे जे मोर पिता शांति र सागर अटे अभी तो तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे शांति रा संपत्ति आमे बाबा ठू नौचंत तले मिलीगला कि शांति रा संपत्ति मिली जाइछे मिलीगला काको मिलछे हटे गेले मिलीगला केबे जीवन रे अशांत हो नंद कौन सी परिस्थिति आसिले समस्या आसिले केवे हलचल रो स्थिति आसुने जदि व्यर्थ संकल्प चलिला सेठी भी तो अशांति होछे ना तले शांति रो संपत्ति आमे बाबा ठो नै चंते कि जदि प्रकृत रे पचारले आंसर कौन आस बाबा तो दौ चंते किंतु मो आत्मा एबे पर्यंत संपूर्ण रूप रे नै
जदि बाबाट संपत्ति मिली जाता ये दुखर अशांतिर दुनिया भितर रही बे संपूर्ण शांतिर अनुभव होता तो बाबा केते है ना शांति देवा अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जा। से भगवान कर महिमा रे कहते हे शांति देवा शांति दवा वाला ताले शांति कोठी अच्छे हे परमात्मा मते सृष्टि ठारु निजर घर शांति धाम को ले जा अथवा शांति का वर्षा दो देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते कि शांति दो। देवी देवता मन कर मूर्ति सामना रे शिव बाबा सामना रे कौन मागुचंते हमको शांति दियो तले शांति केमते मिलिबो शांति बाबा को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना जरूर है। बाबा को मने पके के हमको शांति धाम तो जीवार अच्छे जोड़ी संपूर्ण शांति अच्छे नहीं याद करेंगे तो जा सकेंगे। यदि बाबा को मने पके वाने तले शांति धाम को जीवा के जाए पर जीवा कौन करेगा। जदि बाबा को याद करिवाने तले परम धाम को जीवा ना नहीं जीवाने समस्त कहन जीवाने तो बाबा के जाएंगे जरूर लेकिन सजा पाकर परम धाम को तो जीवा का प्यार से मने पकेले बिना दंड रे जीवा। जदि बाबा को मन पकेवाने तले दंड खाई की भी पावन बनी के घर को जीवार अच्छे तो बाबा की याद भी इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वो खत्म हो जाए। बाबा को मने पकोचंदी कौन पे बाबा होचन पाप कटेश्वर। यदि बाबा को मने पकेवा जन्म जन्मांतर पाप जोटा मुंडो ऊपर अच्छे सेटा नष्ट हो जीव। शांति और सुख मिलता है एक बाबा से क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। तले बेहद्र बाबा ठारु शांति और सुख मिलछ कारण हमर बाबा को प्रकार अटंते केमते अटंते बाबा शांति सुखर समुद्र जितनी की दरकार जाको बाबा ठो नहीं पारे तो वह चीज ही तो मुख्य है। शांति को मुक्ति कहा जाता फिर जीवन मुक्ति जीवन बंध भी है। तले शांति धाम को हमें मुक्ति धाम भी कोछ मुक्ति धाम रे संपूर्ण शांति अच्छे किंतु ये जो साकार सृष्टि रे जीवन मुक्ति धाम भी अच्छे जीवन बंधन रो दुनिया भी अच्छे। तले जीवन मुक्ति कोटी थिला दीटा जुग थिला को दीटा जुग सत्य आ तृतीया जुग जीवन बंधन रो समय कोटे द्वापर आ कली जुग अटे। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। आमे आत्मा माने जो बंधन भीतर आसी गले बाबार पढ़ाई पढ़ुचंते जीवन मुक्त पद को पाइबा पा जीवन मुक्त पद कोटे सत्य जुग रे कर्म भी करिवे संबंध भी थी किंतु किसी बंधन न थी। तो बाबा के सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है इसलिए उनको क्या कहते जीवन मुक्ति धाम। गाया भी जाता सहज जीवन मुक्ति सहज गति और सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है प्रकृतरे गति कोटा सदगति कोटा जीवन मुक्ति कोटा मुक्ति कोटा तर प्रकृत अर्थ को मैंने बुझे गले आम पिला मैंने गति कहा जाता है शांति धाम को सत गति कहा जाता सुख धाम को। तले गति कह को कहवा गति कह को कहवा परम धाम रो अवस्था जोड़ा मुक्ति भी कहते
शांति धाम भी कहले सत गति होची जीवन मुक्ति अर्थात सुख धाम अटे। तो सुख धाम शांति धाम फिर यह क्या है? आमर घर होची शांति धाम अटे, सत्य युग होची सुख धाम अटे। वर्तमान दुनिया को कौन कहेगा को धाम कहेगा, शांति धाम ना सुख धाम को धाम अटे? हाँ, बाबा के दुख धाम है। तुम यहाँ पर बैठे हो तो बाबा के ते बच्चे शांति धाम घर को याद करो। एठिया में बसी चंते तो बाबा हमको कौन कहते दुख दुनिया रे बसी के का को मन पकेब शांति धाम घर को मन पका। ताले घर मन पड़े ना ना मन पड़े दिन को केते थर दुनिया रे तीर्थयात्रा करिया को जाऊ ना सबुठ बड़ तीर्थभूमि कौटा परमधाम अटे महातीर्थ अटे जोटी स्वयं भगवान रोचंते से घर को केथर जाऊंते। तो बाबा के आत्माओं को अपना घर भुला हुआ है, बाबा आकर याद दिलाता। प्रत्येक आत्मा मने खेलिवा को आसिले निजर घर को भूली गले आउ थे निजर पिता आसुचे आउ थे घर स्मृति दौरान। तो बाबा की समस्ती फोना हे रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करे। आज बाबा पिला मन को कहते मोर आत्मिक पिला मने घर को इच्छा थिले भी जाई परिवन जो पर्यंत मत मन पके न पवित्र है न से पर्यंत घर को जाई परिवन। याद से तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर चली जाएगी। जिते बाबा को मन पकेबा आत्मा पावन ही जीव निजर घर को जीव। तुम बच्चे तो जानते हो ना यह अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। बाबा के लिए दुनिया को प्रकार अटे अपवित्र दुनिया। ये दुनिया भितरे गोटे भी मनुष्य के पवित्र नहंत, समस्ते अपवित्र अटंते। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम का राज्य रावण का राज्य, तो रावण के राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापना होती है। जेतो रावण रो राजत्व आसी जाउचे ए दुनिया रे अपवित्र दुनिया रो स्थापना होचे। ये बना बना खेल है, राम राज्य आसीबा रावण राज्य आसीबा बाबा को जो पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। ये ड्रामा कौन करछे 5000 वर्ष को थले पुनरावृत्ति होचे। तो बाबा की तो बेहद का बाबा समझाते, उनको ही सत्य कहा जाता है। ये सब जाक बुझे बोले कि आमको बेहद बाबा से बाबार टाइटल होचे से सत्य अटंते। आम कह सत्यम शिवम सुंदरम, दुनिया रे कह गॉड इज अ ट्रुथ, भगवान ही सत्य अटंते। से जहाँ सुनेबे सब सत्य कथा सुनेबे ना, तले बाबा ठोरा में को कथा सुनुचंते सत्य कथा सुनुचंते। सत्य बाते तुम संगम पर ही सुनते हो फिर तुम सत्युग में जाते हो। बाबा के लिए सत्य कथा में संगम रो समय रे सुनुचंते, सुनिला परे हमें कोठे जीवा सत्ययुग दुनिया को। द्वापर से फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। बाबा चक्र विषय हमको बुझौते ना ना, जे तो द्वापर युग आसीगला रावण राज्यते आरंभ हो गला। रावण अर्थात क्या? रावण अर्थ कौटे पंचविकार। रावण को देवता कहवा कि नहीं, रावण के रावण अर्थात असुर ठेरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, रावण अर्थ हो असुर अटे। असुर मान के सत्य कथा कहे तेल आम कौ पुरुषार्थ कर देवता हवापाई तेल आम मीछ कह कि ना। बाबा लगातार तीन दिन है कौन कौन रावण अर्थ मिथ्या अटे।
तो बाबा की इसलिए इसको कहा जाता झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार है। दुनिया रे कुछ ना झूठी माया मिथ्या माया अटे मिथ्या शरीर अटे ये संसार मध्य केमते कर मिथ्या का अटे। आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा है। बाबा के सब जगह मिथ्या है गल। आत्मा भितर से पवित्रतार शक्ति नहीं से भी झूठा है गल। ना आत्मा भितर गुण अच्छे ना शक्ति अच्छे। आत्मार क्वालिटी जो प्रकार शरीर मध्य से प्रकार अटे। तो बाबा की आत्मा में संस्कार भरता है। चार धातुएं है ना सोना चांदी तांबा और लोहा सब खाद निकल जाती है। चारिटा धातु अच्छे सुन्ना रूपा तांबा और लोहा। तो आत्मा भीतर ये सब जाक खाद पड़ जाए। से खाद जाक केमती बाहर केमती बाहर यादर अग्नि द्वारा। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। जमते सुनारी सुनारू रामी बाहर करवाई सुना को कौटि पकाच अग्नि पकाचे ना। सेमते बाबा कहले आत्मा भी सच्चा सुना समान थिला। किंतु ता भीतर जो कॉपर आयरन रो खाद पड़गला से खाद कारण रो आत्मा भी झूठा है। से आत्मा को सच्चा सोना बनेबा पाई जोग बल दरकार। तो बाबा कि जब तुम सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो। जितना मैं आत्मा मैंने सत्ययुग में थिले आत्मार अवस्था केमती थिला सच्चा सुना समान थिला। फिर चांदी पड़ती तो चंद्रवंशी कहा जाता है। से सच्चा सुना भीतर जितने रूपार अलाय पड़गला चांदी पड़गला तले आत्मा चंद्रवंशी को आसीगला तृतीय युग को आसीगला। फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है। कब पड़ते तांबा लुहार खाद पड़गला को समय पड़ेगा द्वापर आ कली युगर। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है वो निकल जाती है। जितना बाबा को मने पकाचे आत्मा भितर जो सब अलाय पड़ जाए चांदीर तांबार लुहार से सब जाक बाबा बाहर करमती बाहर करवा को मन पकेले ना ना तले सतरे कौन धातु जाक मिसीजे मिसीजे आत्मा भितर रूपा सुना सब मिसीजे। बाबा को कथा कहते लुहार जुगर संस्कार आसीगला। जो जो युग को आम जाऊे से युगर संस्कार आत्मा भितर आसी जाऊे। तो बाबा कहे सच्चा सुना हवापाई ये कली युगर संस्कार को बाहर करवा द्वापर संस्कार को बाहर करवा पूरा सच्चा सुना हवार अच्छे। सत्ययुगर क्वालिटी कौटा सत्ययुग दुनिया क्वालिटी कौटा सर्वगुण संपन्न षोलकला संपन्न डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकार ये सबुचे सच्चा सुना बनवार सब लक्षण। तो बाबा कहले जदि चाहूच सत्ययुग को जीवापाई से संस्कार को जीवन में धारण कर। आ कली युगर संस्कार कौटा जान सब लुहार दुनिया संस्कार कौटा जोटा आम दुनिया देखुं से संस्कार भी आत्मा भितर अच्छे। तो बाबा कहले से सबुजाक जोग बल द्वारा ताको पूरा समाप्त कर। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो। पहले पहले आते हो सतयुग में उसको कहा जाता गोल्डन एज है। आम प्रथम शांति धाम घरे थिले तापर सत्ययुग दुनिया को आसुचंते। से दुनिया को आम गोल्डन एज बोली कह स्वर्णिम समय अटे। तुम सच्चा सोना हो योग बल से सारी खाद निकल कर बाकी सच्चा सोना ही बचता है। जितने बाबा को मने पकाचे आत्मा भितर जो खाद मिसी जाए से खाद सब बाहर जाऊे। आत्मार क्वालिटी केमती हो सच्चा सुना समान। तो शांति धाम को गोल्डन एज कहेंगे।
परम धाम को शांति धाम को आम स्वर्णिम युग बोली कह कि कहानी कौन पे कहानी कौन पे कहानी युग माने साकार सृष्टि अच्छे परम धाम रे तो आत्मार स्वरूप ना से शरीर अच्छे ना कौन से पार्ट अच्छे सारा पार्ट कौटे अच्छे स्थूल जगत रे तले शांति धाम को आम स्वर्णिम युग बोली कहानी गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज यहाँ कहा जाता सत्य युग त्रेतिया युग सुनार युग रूपार युग ताम्रर युग सब कौटे हो स्थूल जगत रे हो शांति धाम में क्या है बाबा कहे शांति धाम रे कौन अच्छे कि ना शांति धाम रे कौन अच्छे शांति धाम में शांति है आत्मा जब शरीर लेती तब गोल्डन एज कहा जाता तो सृष्टि भी गोल्डन एज बन जाती है तो बाबा कहले आत्मा जितने सत्य युग रे शरीर नोच तो आत्मा को कहा जाए गोल्डन बोले जो समय रे आसुचे से समय भी को प्रकार पूरा सृष्टि ही गोल्डन बन जाऊ जोटी आत्मा मैंने अभिनय करेंगे मनुष्य मन को धरिकी तो सृष्टि अटे ना जदि आत्मा पावन पूरा सुंदर हो गल सुना समान हो गल सृष्टि भी स्वर्णिम हो गला सतो प्रधान पांच तत्व से शरीर बनता है ना सत्य युग रे देवी देवता मन को शरीर केमती थिला पूरा सुंदर शरीर सतो प्रधान शरीर निरोगी काया कौन पे बनला पंच तत्व सेठी सतो प्रधान अवस्था रे थिला पंच तत्व द्वारा जो शरीर बनुचे सेटा भी सतो प्रधान अटे तो आत्मा सतो प्रधान तो शरीर भी कैसा होगा सतो प्रधान है फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एज रु शरीर मिलता जितने आत्मा पूरा युग युग को अतिक्रम कला कली युग रे आसीगला वर्तमान केमतिकार शरीर मिलचे आयरन एज रु शरीर से शरीर अवस्था केमतिकार रोगी ना ना निरोगी शरीर बोले तो कहानी ना तो बाबा की देखो गोल्डन एज सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है तो अब बच्चों को क्या करना है बाबा सबूजा को बुझे दिले शांति धाम कोटा सत्य युग कोटा स्वर्णिम समय कोटा एबे पिल्ला मन को कौन करिवार अछे कौन करिवा हमें कौन करिवा पहले पहले शांति धाम जाना है इसलिए बाबा को याद करना है तभी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाबा यहाँ पर रहता है प्रथम हमको शांति धाम को जीवार अच्छे जो ठीक बाबा रोचते तो बाबा को मन पकेबार अच्छे आत्मा तमो प्रधान रु सतो प्रधान बनिले तो से परम धाम को जीव आउ थे सत्य युग दुनिया आसब तले तमो प्रधान रु सतो प्रधान बनियापाई आमको केते समय लगुचे जिते समय बाबा ये रोचन संगम समयटा पूरा लगुचे ना तो बाबा की वो तो गोल्डन एज में पार्ट लेते भी नहीं है शिव बाबा जे सृष्टि रचयिता बाबा को जो मोर कल्पर थे एका पार्ट रोज सत्य युग में मोर कि भी पार्ट एका ना तले बाबार पार्ट सत्य युग अच्छे कि ना तो आत्मा को जब शरीर मिलता तब कहा जाता ये गोल्डन एज जीव आत्मा है जत आत्मा को सत्य युग शरीर मिली जीव से कौन कह गोल्डन एज जीव आत्मा खाली आत्मा कह ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज आत्मा है नहीं गोल्डन एज जीव आत्मा फिर सिल्वर एज जीव आत्मा होती है यहाँ तुम बैठे हो तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है ये संगम युग बसुंत बाबार कोल बसुंते आमको सुख भी मिलू तो शांति भी मिलू मिलू ना ना जदि मिलू तेल कौन करवा दरकार क्या करना चाहिए बाबा कहले मो पाखे सुख शांति मिलगला एवं कौन कर
बाबा कौन करने आसचे दुख धाम का सन्यास, ये दुख धाम को बुद्धि रे पूरा भूले जा। इसको कहा जाता बेहद का सन्यास है, उन सन्यासियों का हद का सन्यास है। घर बार छोड़कर जंगल में जाते, उनको यह भी पता नहीं सारी सृष्टि ही जंगल है। बाबा कहले हद्र सन्यासी माने घर द्वार छाड़ी के जंगल को पलैले। बाबा को जो से मन को जाना नहीं, पूरा सृष्टि ही कंटार जंगल अट। जो भी जाओ कंटा एक अच्छे ना, चाहे जंगल को मध्य चली जाओ से शांति मिले कि से भी शांति ना। तो बाबा की यह तो कांटों का जंगल है, यह कांटों की दुनिया है, वो तो फूलों की दुनिया है। ये दुनिया हूँ कंटार जंगल अटे, और बाबा जो दुनिया तैयारी कर फूलर दुनिया अटे। वो भले संन्यास करते परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में जंगल में शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। बाबा के लिए से मैंने भी संन्यास कर किंतु कोठी रोचन्ते कोठी रोचन शहर ठार दूर रे कोठे जंगल रे रोचन्ते। बाबा कहले दुनिया तो कंटार जंगल अट, जोठी भी जाओ दुख अच्छे अशांति अच्छे। उन्हों का निवृत्ति मार्ग है, लेकिन तुम्हारा तो प्रवृत्ति मार्ग है। आज बाबा डिफरेंस कौचन से सन्यास कोटा आमर सन्यास कोटा से मानकर सन्यास केमती निवृत्ति मार्ग सब जगह त्याग करके चली जीवा। आमर सन्यास होचे प्रवृत्ति मार्ग अटे, घर ग्रस्त भितर रहिके बुद्धि द्वारा भूलिबा। तुम पवित्र जोड़ी थे अब तो अपवित्र बने हो, उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। जिते सत्य युगरे थिले पवित्र जोड़ी थिले, स्वामी स्त्री दिजन जाक पवित्र थिले, किंतु वर्तमान तो अपवित्र बनी गले। सत्य युगर गृहस्थ को आश्रम बोली कहते, किंतु आज दुनिया रे कौन हला गृहस्थ अलग आश्रम अलग है। कौन पे अलग हला अपवित्रता प्रवेश है गला। सन्यासी तो आती भी बाद में है, इस्लामी बोधी भी बाद में आते, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तले प्रथमे को मन आसले देवी देवता धर्म, द्वापर युग रे क्या आसला इस्लामी, तापरे बोधी, तापरे क्रिश्चियन, तापरे सन्यासी मन। तो बाबा के झाड़ भी याद करना है तो चक्र भी याद करना है। पूरा वृक्ष को मने पकेवार अच्छे, सृष्टि चक्र को मने पकेवार अच्छे। तो बाबा कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते, क्यों खुद बीज रूप है, सत्य है और चैतन्य है। बाबा प्रत्येक कल्प रे आसिके एक कल्प वृक्ष को ज्ञान दौन। कौन पे ज्ञान दले बाबा भितर से ज्ञान अच्छे, से निजे होचंते वृक्षर बीज रूप अटंते, से ही सत्य आ चैतन्य अटंते। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझात, को धर्म केते बले आसिले, से मानकर समय कोटा थिला, ये सब जाक रहस्य किए बुझौचंते बाबा बुझौचंते। कौन पे बुझेले बाबा होचने गच्छर बीज अट, एते बड़ वृक्षर तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। एटा आत्मार टाइटल ना, को टाइटल ना सुख शांति प्रेम पवित्रतार सागर, ये सब टाइटल कार अटे बाबा अटे। ये महिमा एक ही बाबा की है जो तुमको ऐसा बनाता है, सारा महिमा बाबा रट। बाबा हमको सेमते बनौचंते, बाबा की महिमा सदैव के लिए है। बाबा र महिमा के भी चेंज हो, बाबा तो सदा शिव अटंते ना, बाबा र महिमा भी सबुबले रहुचे। सदैव पवित्र है और निराकार है शिव बाबा, के भी परिवर्तन होना से सबुबले पवित्र और निराकार अटंते। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते ही पावन बनाने के लिए बाबा अल्प समय पे दुनिया रे आसन। कौन पे आसन्ते
हमको पवित्र बनया पाए। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है, तुम जानते हो बाबा सदैव वहाँ रहता। बाबा तो सबुठी नहांते, से सर्वव्यापी नुहंते। बाबा सबुबले कोठे रहउछंते परमधाम घरे। केवल संगम समय बाबा गोटे थर ए धरापृष्ठ को आसुचे। तो भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते, और सत्युग में तो याद करने की दरकार भी नहीं रहती है। भक्ति रे जितना हमें दुखी जाउचंते समस्ते जन को मन पकाउचंते, भगवान को ईश्वर को प्रभु को कहके से जन को मन पकेले। जो सत्युग रे मन पकेवा किसी दरकार दरकार ना। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही अगर सुख शांति देते हैं ना। रावण राज्य जितने दुखी ही गले चिल्लेवा आरंभ कर ले, हे भगवान हमको सुख दियो शांति दियो। तले से सुख शांति दबा वाला किए बाबा अटंते। बाबा जितने आसवे सुख शांति संपत्ति देवे, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद तो आती है ना। तो बाबा समझाते, हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। बाबा कितने वर्ष पर आसले? 5000 वर्ष पर। एमती बाबा को कितने मन पकिया दरकार? बहुत ना कम, बहुत मन पकिया दरकार। आ बाबा जो पाठ पढ़ाऊंटे केमती शुणे भले कि शुणा? हाँ, कान दीटा पूरा खोल कि शुणा ना ना। बुद्धि कौटी स्थिर रखे बाबा पाखे, एपटे सेपटे न भटको, पूरा बाबार गोटे गोटे शब्द को शुणा जीवन उतार। आउ को जुग में बाबा थे ना? बाबा थे ना संगम समय थे। तो बाबा की आधा कलप सुख है, आधा कलप दुख है। आधा कलप के बाद रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल देह अभिमान है। अधाकल्प पर रावण आस, रावण मूल अस्त्र कोटा देह अभिमान अटे। उसके बाद ही फिर और विकार आता है। देह बोले निज को भाविले सब जगह विकार आसीगला। अब बाबा समझाते, अपनी को आत्मा समझो और देही अभिमानी बनो। तो आत्मा की भी पहचान तो चाहिए। एबे बाबा हमको कहते निज को आत्मा बोले भाव, आत्मा अभिमानी बनी जाओ। तले आत्मा अभिमानी बनिया पाए आत्मा को तो जानवा दरकार ना। तले हमें जानते ना नहीं जिनज को जानते ठीक रूप से जानते? तो बाबा के मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकती है। मनुष्य मैंने अज्ञानता भितर भी कौन आत्मा कौटे चमकुचे भ्रुकुटी मध्य रे, किंतु सठिक ज्ञान से मानक भितर ना। अभी तो तुम समझते हो वो अकाल मूरत, उस अकाल मूरत आत्मा का तख्त या शरीर है। मु आत्मा होची अकाल मूरत अटे, मत के काल खाइब। मु आत्मार निवास कौटे को सिंहासन भ्रुकुटी रूपक सिंहासन अटे। ताको विचार करले बढ़िया मजा लगे ना। मु आत्मा कौटे बसचे सिंहासन पर बसचे, को सिंहासन भ्रुकुटी रूपक सिंहासन। आत्मा बैठती है भ्रुकुटी में, तो अकाल मूरत का यह तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है। वो अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है। अमृतसर देखो छोड़ते ना अकाल तख्त, सीटा तो काठर बना ही जाए, किंतु यहाँ बाबा कुछ यहाँ चैतन्य तख्त अटे। जोटि चैतन्य आत्मा अकाल मूरत आत्मा इस तख्त उपरे बसुचे। तो बाबा ने समझाया, जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। प्रत्येक मनुष्य मनकर निज निजर अकाल तख्त अच्छे। आत्मा आकर यहाँ पर विराजमान होती है। तले आत्मा आसी कौटि बसुचे शरीर भितर भ्रुकुटे मध्य रे। सत्युग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त तो यह मनुष्य शरीर ही है। चाहे सत्युग हो चाहे कलयुग हो, आत्मा बसिब कोठे मनुष्य शरीर भितर।
तो कितने अकाल तख्त है जिते मनीष से अकाल तख्त ताले दुनिया के मनीष अच्छ केते करोड़ मनुष्य माने जो भी मनुष्य मात्र है तो अकाल आत्माओं का तख्त है। तो आत्मा एक तख्त छोड़ दूसरा ले लेती है। आत्मा गोटे सिंहासन को छाड़ूचे आउटे सिंहासन को धारण करदेला तार अर्थ कौटे गोटे शरीर छाड़ला आउटे शरीर को धारण करचे। पहले छोटा तख्त होता फिर बड़ा हो जाता है। ये शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वो लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते वो तो छोटा बड़ा नहीं होता है। सिख मैंने जब अकाल तख्त बोली कहते तो काठर बनाए सीटा के छोट बड़ हम नहीं किंतु आत्मा जो अकाल तख्त उपर बसुचे से शरीरटा प्रथमे छोट रोचे तापर बड़ ही जाऊचे। यह किसी को पता नहीं है। सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त या भ्रुकुटी है। बाबा के लिए आत्मार नॉलेज कहा भितर भी ना समस्ते कौन पूछते मोर आत्मा को दुखी कर तले आत्मा मोर अटे ना आत्मा मु अटे तार पहचान का ना। तो बाबा के लिए प्रत्येक आत्मार अकाल तख्त कौटा भ्रुकुटी अटे। तो बाबा की तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलेगा कहाँ पर सतयुग में। आत्मा अकाल है कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलता है। जब बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता उनको कहेंगे गोल्डन एजर तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर कॉपर आयरन एजर तख्त मिलता है। आत्मा सच्चा सुना बनी गले ताको शरीर केमती कर मिले गोल्डन तख्त मिलीगला। सिंहासन मध्य से प्रकार शतो प्रधान शरीर आत्मा जब तृतीया युग को आसब ताको केमती कर तख्त मिलला सिल्वर द्वापर को आसला कॉपर कली युग रे आयरन आयरन देखे पे केमते पूरा कला आई जाऊना ना सेमती आत्मा भितर कौन सी क्वालिटी एका ना आत्मा जमती कर शरीर मध्य सेमती मिलला। तो बाबा की फिर गोल्डन एज रे तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। यदि आउ थे हमको सतो प्रधान पवित्र शरीर दरकार तले बाबा कुछ नेबे तो पवित्र हवा को पड़ब। इसलिए बाबा के ते मामिकम याद करो तुम्हारी खाद निकल जाएगी फिर तुमको ऐसी दैवी तख्त मिलेगा। अभी तो ब्राह्मण कुल का तख्त है ना एबे को शरीर मिले छे ब्राह्मण कुल र तख्त मिल जाए छे। पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है। फिर मुझ आत्मा को ये देवताएं तख्त मिलेगा। एबे होचंदी ब्राह्मण जुगर जोटा सिंहासन ब्राह्मण कुल जोटा सिंहासन जाको पुरुषोत्तम संगम युग कहले ये आम पुरुषार्थ करवा सत्य युग केमती कार शरीर मिल जाव देवता तख्त। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता। देहर अभिमान रे आसले जणे जण को तंग कले दुख आका दे से भितर निज को सुख बोले अनुभव करछंदे। तो बाबा के लिए दुनिया रो ना कोटा दुख धाम अटे। अब बाबा बच्चों को समझाते शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। ये दुख धाम भितर रही के शांति धाम घर को मन पकेबा कौन पे मन पकेबा हमर असली घर अटे। सुख धाम को याद करो इनको भूलते जाओ इनसे वैराग्य होना चाहिए। शांति धाम को मन पकेवा सुख धाम को मन पकेवा पूरा दुख धाम को भूली जीवा आठ पूरा वैराग्य दरकार। ऐसे भी नहीं सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाबा समझाते वो एक तरफ अच्छा है दूसरे तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा ही है उनका हठयोग अच्छा भी है तो बुरा भी है। क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते तो भारत को थमाने के लिए
पवित्रता जरूर चाहिए। बाबा कहले दुनिया रा हद्र सन्यास ता भितरे भल भी अच्छे तो खराब भी अच्छे। भल केमते हला, भल केमते हला, द्वापर युग ठारू जो तो देवी देवता मैंने बाम मार्ग को चली गले भारत को अध पतन रु बचेवाई सन्यासी मान पवित्रता निहाती दरकार थिला। से मैंने पवित्रतार सहयोग दे तो भारत अति तल को खसवर बचीग किंतु खराब कौन अच्छे भितर से सन्यासी भितर खराब कौटा अच्छे से मैंने घर द्वार को त्याग करके चली गले कर्म बंधन को छाड़ी चली गले। तो बाबा कहले आमर राजयोग बेहद्र सन्यास रे सब जाक भल एका अच्छे। एक तो आम पवित्र भी रोचे द्वितीय घर गृहस्थ भितर रही कर्मर खात को आम चुक्त कर्म बंधन को चुक्त कले आम छाड़ी जाऊना। इसलिए बाबा कहे देखो भारत ही तो अविनाशी खंड है उसमें भी मदद करते हैं सन्यासी मैंने साहय कले क्या भारत को तल को खसवाठार बचेले ये भारत हूँ अविनाशी खंडटे और बाबा का आना भी यहाँ पर ही होता है। जे सारा दुनिया को सदगति दबा वाला से जगतर गुरु मध्य कौटे आसचे ये भारत भूमि आसचे जहाँ पर बेहद का बाबा आता वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया जोटि परमात्मा का अवतरित भूमि अटे जोटि भगवान निजे आसचे भारत भूमि रे सारा विश्व रे सबुठ बड़ तीर्थ कोटा ये भारत अटे। तो सर्व का सदगति दाता बाबा ही आकर करते इसलिए भारत ही ऊंचे ते ऊंच देश है। सारा विश्वर सदगति दाता से भारत भूमि रे का आसचंदे पूरा विश्वर सदगति करचंद सेतिपई पूरा विश्व रे सबुठ उच्च देश कोटा भारत वर्ष अटे। मूल बात बाबा समझाते बच्चे याद की यात्रा में रहो सारा ज्ञान बाबा शुणे दल। बाबा मूल कथा को आसगले कौटा पिला माने मते मने पकाओ गीता में भी मन मना भव अक्षर है परंतु बाबा कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं। दुनिया रे यादगार शास्त्र गीता रे मनमना भव रो अर्थ भी अच्छे शब्द भी तो अच्छे ना तार अर्थ को बुझुचंते के बुझुनांते सेटा तो संस्कृत रे लिखा है एटी बाबा संस्कृत रे बुझौनांते बाबा सहज रे बुझौछ मनमना भव रो अर्थ कोटा। तो बाबा मनमना भव का अर्थ बताता है देह की सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती। मु आत्मा टे आत्मा के भी छोटो बड़ो हो किंतु आत्मा जो शरीर भीतर प्रवेश हो जे से शरीर टा छोटो बड़ो हो जे। तो अनादि अविनाशी पाट भरा हुआ है ड्रामा तो बना हुआ है पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है उनका बहुत थोड़ा पार्ट है बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं। जो आत्मा मैंने पछरे आसते से मानकर पार्ट करिवार समय बहुत कम अटे अधिक समय कौटे रे शांति धाम घरे स्वर्ग में तो आ भी ना सके पिछाड़ी को आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुख वहाँ ही थोड़ा दुख पाते हैं। जो मैंने पछरे आसवे गोटे जन्म पाई के आसवे दीटा जन्म पाई आसवे से जन्म भितर टिके सुख टिके दुख पाए। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते और सुबह उठकर देखो तो सारा मच्छर मरे पड़े होंगे। दिवाली रे सब देखुचंते ना रात्रि रे केते सारा मशा माछ सब कीट पतंग सकाळ उठिके देखला बेले सब जगह मरी जाउचंते से मानको जीवन रे किछ मूल्य अछे किछ भी ना। तो बाबा की मनुष्य का भी ऐसा ही है पिछाड़ी में आने वालों की क्या वैल्यू होगी
बाबा कहले मनीषर मध्य से प्रकार एका अटे ये सृष्टि चक्र भितरे जो आत्मा माने पछरे आसीबे से मानकर किछ मूल्य आका ना से मानना स्वर्गर सुख देखिपारे ये दुखर दुनिया भितर आसीबे अधिक दुख देखिबा कम सुख देखिबे जैसे जानवर मिसल ठेर बाबा कहले से मानको जीवन केमते कर पशु समान अटे तले सेमते हमें जीवन नबा पछरे आसीबे आमर लक्ष्य कोटा अच्छे सत्य युगर फर्स्ट मत आसीबार अच्छे तो बाबा समझाते ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कैसे होता है। सत्ययुग में कितने थोड़े मनुष्य और कलयुग में तो कितनी वृद्धि हो झाड़ बड़ा हो जाता है। सत्ययुग रे कितने छोटे वृक्ष थे कम मनुष्य थे से वृक्षटा बड़ है कि कलयुग रे तो कितने बड़ वृक्ष बनीगला। मुख्य बात बाबा ने इशारा दिया गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ मेकम याद करो, 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। आज बाबा मुख्य इशारा कोटा दौंते घर गृहस्थ भितर रही कि 8 घंटा बाबा को मन पकेबार पुरुषार्थ कर। आज अटेंशन दबा कते घंटा 8 घंटा होचे ना ना 4 घंटा बसिकी आ 4 घंटा कर्मजोगी बनिकी बाबा कहले कम से कम 8 घंटा हमको मन पकेबार अच्छे। तो बाबानी का याद करते करते आखिरी पवित्र बन बाबा के पास चले जाएंगे फिर तो स्कॉलरशिप में मिलेगी। बाबा को मने पके कि लास्ट पवित्र है जीवा तापर हमको स्कॉलरशिप वृत्ति मिल जीवा वृत्ति कोटा मिलीब सत्ययुग को जीवा पाए। पाप अगर रह जाएगा फिर जन्म लेना पड़ेगा। बाबा एक गोटे जन्म रे जदि पाप को चुक्त करू न जदि पाप रही गला तले आउ थरे ए दुखर दुनिया रे जन्म नबा को पड़ेब। सजाई खाते फिर पद भी कम हो पड़ता है। जदि आत्मा तार पापर खाता को चुक्त करिब सृष्टिर परिवर्तन समय आसी जीव तले से दंड खाइब पावन हब आ पद मध्य कम हो जीव। तो हिसाब किताब चुक्त तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र है अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज़्यादा है। बाबा कहले भारत सत्ययुग ठारो थिला 4 युग पर्यंत भारत भूमि आकार रोचे किंतु भारतर हिंदू मान ठारो अधिक संख्या कार एवं क्रिश्चियन मान कौन पे अधिक होला। बाबा कहले एबे भी आत्मा माने परमधाम तल को आश्रम से मानकर संख्या बढ़ुचे वो फिर भी सेंसिबल है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए क्योंकि यह 100% सुख भी पाते फिर 100% दुख भी यह पाते वो तो आते भी पीछे ही है। जो मैंने क्रिश्चियन मैंने से मैंने तो अभी सेंसिबल अटंते ठीक है नॉलेजफुल कौन पे से मैंने पछरे पछरे आसचंते। भारतवासी मैंने 100% बुद्धिवान थे किंतु आज कौन अवस्था है निर्बोध हो गल ना ना 100% भारतीय मैंने सुख पाच आ 100% दुख भी देखुचे किंतु क्रिश्चियन मैंने पछरे आसचंते ना अधिक दुख देखुचे ना अधिक सुख देखिले आ स्वर्गर सुख तो से भाग्य ना। तो बाबा ने समझाया क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्रीकृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है क्रिश्चियन डिनाइस्टी सहित कृष्ण डिनाइस्टी संबंध अच्छे तले को संबंध अच्छे। तो बाबा के क्रिश्चियन ने राज्य छीना फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है। क्रिश्चियन मैंने आम ठार राजुति छड़े की नहीं थे आमको राज्य मत का मिले क्रिश्चियन मान ठार
इस समय ख्रिस्टियन का जोर है, आज सारा विश्व रे ख्रिस्टियन मान जोर अच्छे, उनको भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूखा मरता तो रिटर्न सर्विस हो रही है, तो ख्रिस्टियन मान भारत ठार सब जाक जिनस नहीं कि पड़े जिते संपत्ति सब थिला, किंतु एबे भारत जिते भूख रे मरुचे से समय रे सारा विश्व रिटर्न सर्विस दौचे, जोटा नहीं थिला अथरे रिटर्न करचे। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरत आदि वहाँ पर ले गए, भारत ऊपर आक्रमण करके भारत रे जेतिके धन थिला हीरा जवाहरत थिला सबु जक नहीं जाइछन्ते, बहुत धनवान बने अब फिर धन पहुँचाते रहते हैं। भारत रो जेतिके धन नहीं कि जाई थिले एबे भारत को सेरे सहयोग भी तो दौछन्ते ना, तो बाबा तो रिटर्न सर्विस है गला, उनको मिलने का तो है नहीं। बाबा कहले आम तो नहीं थिले वे दौछन्ते एबे दौछन्ते आम तो नहीं पारे कि नहीं पारे ना, कौन पे नहीं पारे ना, दुनिया तो विनाश है जीवन परिवर्तन है जीव, तो बाबा के अब तुम बच्चों को तो कोई भी पहचानते नहीं है, अगर पहचानते तो आकर राय लेते ना, आम पिला मन को दुनिया रे किए भी जानू ना, जदि जानी थांते आम ठार राय मध्य नहीं थांते, तुम तो ईश्वरीय संप्रदाय हो, ईश्वर की राय पर चलते हो, आम हूँ ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वर राय अनुसार चलुंते, वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय फिर दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र संप्रदाय बनेंगे, अभी हम शो ब्राह्मण फिर हम शो देवता, हम शो क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, हम शो का अर्थ देखो कितना अच्छा है, आम ही देवता थिले, आम ही क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, शूद्र रे ब्राह्मण बनिचंद, ब्राह्मण रे देवता बनी जीवा, तो बाबा की यह बाजोलिक खेल है, गोटे सेकेंड रे बुद्धि रे घूरेबा पूरा चक्र को, तो बाजोली रो खेल हो गला, जिसको समझाना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है, अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना। बाबा के लिए ज्ञान को बुझीबा पूरा सहज अटे, किंतु माया हमको भूले दौचे, दैवी गुण ठारू बाहर करके आसुरी गुण को नहीं आसे, सबुठ बड़ा आसुरी गुण कौटा अपवित्र बनेवा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अजी बाबा कौन कर ले, अजी बाबा के लिए कम से कम, बेसी भी नहीं, कम से कम 8 घंटा मन पकेबार अच्छे, कौन पे मन पकेबा, आत्मा उपरे केते जन्मर पाप अच्छे, से पाप को भस्म करने से बाबार याद दरकार, और जी बाबा को मन पकेबा बाबार क्वालिटी भी तो आत्मा भितर आसीजन, बाबा जमी सुख शांति प्रेम पवित्रतार सगर सेमती आमको भी बनवार अच्छे, सेमती बनले तो सत्यजुग जापर ना। तो बाबा ने कहा स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करने का अभ्यास करना है, याद के अभ्यास से ही पाप कटेगा और गोल्डन एज तख्त मिलेगा। ताजी बाबा को चुनते वृत्ति नवा पाए, पिला मैंने पाठ पढ़ुंते से मन को जो मैंने भल पढ़े से मन को स्कॉलरशिप मिलूचे, सेमते बाबा कहले एठी भी हमें पाठ पढ़ुन का स्कॉलरशिप मिले, घर गृहस्थ भितर रही कि जो मैंने कम से कम 8 घंटा बाबा को मने पकोचंते, यात्रा अभ्यास द्वारा ही
पाप कटिव आत्मा को स्वर्णिम शरीर मिलजि शतोप्रधान शरीर प्राप्त हब। सेकेंड पॉइंट, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना। राजी बाबा कहले ये दुख धाम भीतर रही के बेहद वैराग्य कर निजर असली निवास स्थान शांति धाम सुख धाम को मने पका। जदि शांति धाम सुख धाम रो स्मृति अछे तले बुद्धि रे दुख धाम को भूलिबा सहज हे परिबा। देह अभिमान भीतर आसी के केबे कहाकू आमे दुख दबान। देह भाविले देहर अभिमान अभिमान आसीगले का तंग करछन्ते का दुख दौछन्ते बाबू सेमती कर करन और सेतिपे अभ्यास कोटे करिबा मु देह नै आत्मा अटे आत्मार स्वधर्म अच्छे सुख शांति मत अन्को कौन देवार अच्छे सुख आ शांति। आज वरदान हूँ कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। आज बाबा टाइटल कौन दे सहज योगी आत्मा बनी जा को प्रकार बनी वह चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। साधनार रास्ता रे चालो चालो यदि कर्मर हिसाब किताब आमर सामना रे आसी जाउछ कौन से कर्म भोग आसीगला तो बाबा कुछ निजर मन को हलचल कर निजर स्थिति को तल को ऊपर को करिब अचल स्थिति बने। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। किसी कर्मर परिस्थिति आसीगला कर्म भोग आसीगला हिसाब किताब सामना को आसीगला बाबा कुछ परख को प्रकार कर्म भोग मत चुक्त करिवार अच्छे बाबा कुछ सीटा को भाविकी चिंतिके नष्ट कर दियो। अभी योद्धे नहीं बनो सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो माया हिला नहीं सकते। बाबा के लिए वर्तमान योद्धा बनने आम सहित किए अच्छे सर्वशक्तिमान बाबा अच्छा जिते बड़ माया आसिले भी हमें हलचल हवानी। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा कहे निश्चय जोटा फाउंडेशन ताको पूरा प्रैक्टिकल आणवा का उपरे निश्चय बाबा उपरे संपूर्ण निश्चय। मोर बाबा केमती कर सर्वशक्तिमान अटन यदि बाबा मो साथी रे अछंते केते बड़ भी कर्मर हिसाब किताब आस मोर स्थिति केबे भी हलचल हबार नाय। समय पर यूज करो तो सहजयोगी बन जाएंगे। बाबा कहले मो साथी रे अछे किंतु पिला माने मते यूज करुना यदि पिला माने बाबा को यूज करबा सीखी जेबे तले सहजयोगी बनि परिबे। अब निरंतर योगी बनो युद्ध करने वाले योद्धे नहीं निरंतर बाबा को मने पकिया वाला योगी बनी जीवा युद्ध करिया वाला योद्धा बनेबा। यदि युद्ध करिबा कोठे आजीवा क्षत्रिय बनर ना ने तृतीय युग रे आस तृतीय युग रे आसे इच्छा अछि कि नहीं सेतिबे बाबा कहले निरंतर सहज योगी बनी जाओ। आज स्लोगान होचे डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाबा हवाले कर दो। यदि डबल लाइट रहिबार अच्छे सबुजक दायित्व बोझ हमें बाबा को दे दब बाबार जोटा दायित्व हमें नवा बाबा को दायित्व दे चंते निजे पवित्र हुआ सारा विश्व को पवित्र बना। बाबार दायित्व आमे नवा आमर दायित्व किए ने बाबा ने सबुजाक दायित्व बाबा ने किंतु बाबा कहे मोर कर्तव्य रे पिला माने मददगार हुआ। आज सोमान होचे मैं सहज योगी आत्मा हूँ।
सार थिला बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का सन्यास करने, ये तो बेहद का सन्यास है। आजर व्यक्ति सारा आजर पॉइंट हो जे संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। ये मेरे संस्कार है, ये शब्द भी मिट जाए। संस्कार मिलन रास करिया पे किछटा समाप्त करिया को पड़िव, किछटा निज भितरे समेवा को पड़िव। जो कोचन मोर संस्कार ए शब्द को बाबा को जो समाप्त कर, इतने तक मिटाना है जो पुराना नेचर बदल कर ईश्वरीय नेचर बन जाए। एते पर्यंत हमको समाप्त करिवार अछे, जोटा पुराना स्वभाव संस्कार अछे सेटा परिवर्तन है कि ईश्वरीय संस्कार जेमती बनी जीव। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो उतना एक दो को सम्मान देते चलो। जिते आत्मा मन निकटवर्ती आम आसते जड़े जण को आम सम्मान देके चलवा। सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। जड़े जण को रेस्पेक्ट कले, जड़े जण को सम्मान दले, संस्कार को मिसे के चलवा पूरा सहज हो पार। ओम शांति। आज नवरात्रि पाई हमें सब तपस्या करछन ना, ना आज तृतीय दिन आज रहोचे चंद्र घंटा आठ। देवी को देखोचंते तंकर मस्तक रे चंद्रमा समान टीका अछि, जेतर घंटर नाद होचे जेते सब आसुरी शक्ति से मनकर विनाश हे जाउछ। देवी दस भुजाधारी सिंह वाहिनी अटंते। देवींकर स्मृति द्वारा जीवन रे साहस आसुचे, वीरता आसुचे, आ विजय मध्य जीवन रे आसी जाउचे। किंतु तार आध्यात्मिक अर्थ कोटा चंद्रमा अर्थ शीतलतार प्रतीकटा। जिते परमात्मा जी सुख शांतिर सागर अटंते बाबा को जिते मन पकेवा आमे चंद्रमा समान संपूर्ण शीतल हो जाए। आ बाबा तो ज्ञानर सागर अटंते, प्रत्येक दिन जो ज्ञान शुणोचंते से ज्ञानर नाद द्वारा ज्ञानर घंट द्वारा जिते सब आम भितर आसुरी शक्ति अच्छे जीक आम चारिपटे नकारात्मक शक्ति अच्छे से सब जाक समाप्त हो पार। आम दस शक्तिवाला दुर्गा बनी पार। से अंबा स्वरूप को आज सारा संसार पूजा करा। हूँ नारीर तृतीय अवस्था अटे। किशोरी अवस्था पर नारी जो जौवन अवस्था पहुँची जाए तार शरीर को प्रकार तार मानसिक स्थिति सबुतर परिवर्तन आसे। चंद्रमा समान सौम्यता भी आसे, शीतलता भी आसे, आग को जीवापी तार से कदम मध्य बढ़े था गृहस्थ व्यवहार भीतर प्रवेश करिया पाए। ओम शांति।